दोस्तों पिछले मैच में मिले पंजाब के हाथों करारी हार के चलते कल चेन्नई की ओर से माही भाई ने बोल दिया, चार चवन्नी घोड़े से पंजाब को मारू हथौड़े से। मतलब धर्मशाला में कल चेन्नई ने पंजाब को क्या धोया है। इतनी जल्दी थी कल माही भाई को मैच खत्म करने की, जैसे कि उन्हें मैच के बाद मैकलॉडगंज जाकर मोमोज खाने हो। पिछले मैच में लगे सभी आरोपों को धोनी ने कोपचे में लिया और पंजाब वालों से ये कह दिया कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वही बात करें कल के मैच की, तो कल 11 मैचों में 10वीं बार ऋतुराज फिर टॉस हार गए, जिसके चलते उन्हें बैटिंग मिली। वहीं धर्मशाला की खूबसूरत वादियां भी रहाणे को इंस्पायर नहीं कर पाई, जिसके चलते 7 गेंदों पर ही मात्र 9 रन बनाकर रहाणे क्या हो गए राहुल जी, खत्म। वहीं पिछले मैच में धोनी ने मिचेल को सिंगल मना करके उनकी कर दी थी गजब बेइज्जती, इसलिए अब की बार उनकी खोई इज्जत लौटाने के लिए उन्हें 3 नंबर पर भेजा गया। मिचेल और ऋतुराज ने चेन्नई की पारी को धर्मशाला में धर्म के रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ाया, मगर पावर प्ले के बाद चेन्नई पर इतनी मुसीबतें आईं जितनी की मैंने आखिरी बार शोले में ठाकुर पर होते हुए देखी थी। ऋतुराज चहर के हाथों आउट हो गए और फिर शिवम दुबे भी ऑमलेट के लिए अंडा देकर चले गए। इसके बाद एक एक करके चेन्नई के विकेट गिरते रहे और फैंस की आखिरी उम्मीद धोनी पर जा रुकी, मगर इन जख्मों पर लाल मिर्च लगी हुई चाकू तब चली जब धोनी भी पहली बॉल पर बोल्ड हो गए, जिसके चलते चेन्नई की टीम 167 रन पर ऑल आउट हो गई। चेन्नई के फैंस भी बिना और समय गवाए मैकलॉडगंज के लिए मोमो खाने निकल लिए, लेकिन पावर प्ले के अंदर अंदर चेन्नई ने मैच में वही जोश भर दिया जो कि इस भीषण गर्मी में गन्ने का जूस पीकर आता है। तुषार देशपांडे ने 2 विकेट लेकर पंजाब को बैकफुट पर ला दिया। वहीं चेन्नई की गेंदबाजी इतनी जबरदस्त हुई कि मैकलॉडगंज के मोमो छोड़कर लोग फिर स्टेडियम जा पहुंचे। छोटे से टारगेट का पीछा करते हुए पंजाब का हाल बेहाल था, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 6 ओवर तक पंजाब एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाई। धर्मशाला के ठंडे मौसम में पंजाब को गर्मी का एहसास हुआ और चेन्नई ने ये मैच 28 रन से जीत लिया। जाते जाते आपको धोनी भाई की चतुराई पर कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, माही भाई के लिए 2 शब्द जरूर लिखें। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की प्लेलिस्ट है तो उनको भी जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर दें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।